अच्छा जी, किधर जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, स्कूल जा रहे हो। उसके बाद रिशा आज स्कूल नहीं गई? अब से नहीं जाया करोगी स्कूल? अच्छा, बस सही। तो बस अब हम लोग जो है वो आमना राया जो मेरी भाई की बच्ची है स्कूल गई हुई है, उन्हें लेने गए हुए हैं, जा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम वापस आएंगे। भाभी ने क्या पकाया आज? भाभी कोरमा बना रही हैं आज, मज़ेदार सा। तो खाने के टाइम आपको रेसिपी तो नहीं दिखा सके, डिश आउट करके दिखाएंगे कोरमा कैसा बना। तो बस अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, बच्चों को लेने के लिए स्कूल निकल रहे हैं। और आज बड़ी गर्मी है इधर कराची में, शाइनी जो है वो सन है और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। ये देखिए मेरियर टाउन में परसेंट वन है ये। और ये गार्डन जो कि शहर ने अच्छा मेंटेन किया है माशाल्लाह से, आज अच्छा लग रहा है। झाड़ू दिली ना उस दिन तो वो लग रहा था बिल्कुल, बड़े होंगे ना ये, खूबसूरती आएगी। तो ये देखें प्रेसेंट वन है, आज हम आपको उसकी सैर कराते हैं गाड़ी से। और अभी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे हाउसेस की, 300 यार्ड्स के हाउसेस हैं ये, तेज धूप निकली हुई है आज और गर्मी है, पता ही नहीं लग रहा कि नहाए हैं। भैरिया टाउन का स्कूल है इधर, अपना स्कूल है भैरिया टाउन वालों का, उस स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं। तो आइए बस उधर ही चलते हैं। ये देखें यहाँ जब से वो गेट खुला है तो इस रोड पे ट्रैफिक कम हो गया। ये गार्डन है जो भैरिया के अपने बने हुए, कितना ट्रैफिक कम हो गया सुनिए। गेट जो मेन गेट खोल दिया तो फिर इधर से ट्रैफिक जो है कम हो गया, वरना सारा ट्रैफिक इधर से जा रहा था डाइवर्ट होके। ये देखे ऑफिसेस की बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो नजर आ रही हैं। प्रेसेंट वन जो है वो गेट के साथ ही है, सबसे शुरू में है और फिर आगे सारा जो कमर्शियल एरिया है, मिडवे कमर्शियल है भैरिया का, ये सारा उल्टे हाथ पे। और ये भैरिया एडवेंचर लैंड है इस तरफ। ये इनका मेन गेट नज़र आ रहा है भैरिया वालों का, ये मेन गेट है भैरिया का जो कि कुछ टाइम पहले जला दिया था, उस वजह से जो है इसको बंद कर दिया गया था और काफ़ी मेहनत के बाद अब इसको दोबारा बनाया है भैरिया वालों ने, पहले से भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत बनाया इस दफ़ा। रात में लाइट्स में अच्छा लगेगा। तो ये मेन है और मेन से फिर आप सीधा इधर जो है ये मिडवे कमर्शियल की तरफ जो है ना चले जाते हो। ये उल्टे हाथ पे सारे हमारे जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स और कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स वगैरह का ऑफिसेज हैं, समझे कि मेन जो रोड है गेट के साथ आते ही यही है जो सीधी जाती है आपको फिर आगे सारे मुख्तलिफ प्रेसेंट्स में और उधर ले जाती है। ये भी देखेंगे ये सारा कमर्शियल है, ये सब प्रॉपर्टी। और इसके बैक साइड पे जो है ये टाउन हाउसेस हैं। जाके है कमर्शियल और रेजिडेंशियल से हटके बनाया है इन्होंने। ये देखिए वो अपार्टमेंट्स हैं, ये वाले जो सबसे पहले भैरिया के बने थे ये वो अपार्टमेंट्स हैं। और ऑलमोस्ट अब वो हर बिल्डिंग में जो है वो आपको रिहाइश नज़र आ रही है। और ये अपना हॉस्पिटल है भैरिया का, इसके साथ ही जो है वो इमरजेंसी है और फेमर हॉस्पिटल
ग्लास का जो है ये हाउस है पूरा, ये देखें राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ग्रीनरी, और ये अली रियाज और उनके बच्चे और सब उनकी फैमिली का है। बहरिया टाउन में जब वो आते हैं तो इधर रिहाइश करते होंगे। ये देखिए ये बराबर है ऊँचा सा ऊपर ग्रीन कलर के उसमें जो है वो आपको नज़र आएगा ये। सामने अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये ग्रैंड जामा मस्जिद जो है वो आनी शुरू हो गई है, और इसकी भी बस ओपनिंग कुछ टाइम में मेरे ख्याल में कर देंगे। ये अभी जो है इस वक्त कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। ये इधर से आपको मैं दिखाती हूँ लेफ्ट साइड से अपने, अभी आएगी नज़र आपको, ये देखें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। ये जो ग्रैंड मॉस्क है ये इसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है, देखिए काफ़ी हद तक कंप्लीट है, और जब इसकी ओपनिंग होगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें लोग आएंगे और एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखें ये पूरी ये भी मस्जिद है। लेफ्ट साइड पे आप देखें बहरिया का स्कूल नज़र आ रहा है, बहरिया स्कूल एंड कॉलेज दोनों है ये, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इधर। आमदोर अनाया जो है बस इंतज़ार में होंगे। ये देखें अंदर इनकी अपनी प्राइवेट बसेस भी हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। मेन एंट्रेंस है इनकी, बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर जाके बच्चों को जो है वो ले आए। ये देखें ये कितनी खूबसूरत जगह वो लग रही है, से बना लेते हैं उतर के। ये देखें प्रेजेंट्स के साथ है, ये स्कूल है पूरा। ये देखें जनरेटर भी चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है तो बच्चों को नहीं उतार रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ भी क्या हो रहा है, स्कूल में पढ़ना है? अरिशा को भेज दें, अरिशा के स्कूल भेजें। गारा को भेजें स्कूल। अभी लेने गई हुई है बच्चों को, बाहर से लेना पड़ता है। बच्चियाँ आए, हम अपने बच्चियों की बना रहे हैं। कुछ भूल गए हैं, फोटो लेने से मना कर रहे थे तो। आओ नाया, मैंने कहा आज अनाया को प्रोटोकॉल तो दे भाई, वीडियो शीडियो तो होनी चाहिए। हाँ कैसा रहा आज का? अच्छा रहा। ये देखें आज इनका फंक्शन था तो बस इस बहाने तो बच्चों को हमने ले लिया था, और बस अब हम लोग बेकरी की तरफ जा रहे हैं, डेली केसी की तरफ। ये थीम पार्क है हमारे राइट साइड पे, तो ये प्रेजेंट टू है व्यूअर्स, और यहाँ पे ये हाउसेस बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसके साथ ही जो है ये सारी ग्रीनरी है, और साथ ही ये फार्मेसी है। ये सारी जो है ये एक तरह से शॉप से मुख्तलिफ मल्टीनेट और खटक एंटरप्राइजेस। तो हमने दिल्ली कैसी बेकरी जाना है तो प्रेजेंट टू में ही है दिल्ली कैसी।
ये हाउसेस इस लिहाज से अच्छे हैं कि इसके सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं, शॉपिंग गैलरी से लेके सारा कुछ इधर मौजूद है। तंदूर भी है, ब्यूटी पार्लर, दूध दही, सब्जी वाला। दूसरे उसमें देख लो, इनसे पूछो, माइलो नहीं है वो जो फ्लेवर्ड दूध होता है, ये है ना सारा पे। बच्चों की बना रही हूँ। थोड़ी सी बेकरी की बना लेते हैं, ये डेलिकेसी बेकरी है ये। फ्रेश बनी हुई है ना, बस ठीक है। तो बस अब हम लोग घर आ गए हैं स्कूल से और बेकरी से सामान लेके, और गर्मी बहुत ज्यादा है। नाया गर्मी लगी, खड़ो के दिखाओ अपने कपड़े। वाओ, तो आज इनके स्कूल में फंक्शन था, उसके लिए ये फ्रॉक पहन के गई थी। और इधर सामने आके ना लाइट खोल के फोटो खिंचवाओ। तुम इसकी वो बन जाओ, इन कपड़ों में तुम मैन लग रही हो और वो मैन तुम्हारी, दोनों की जारा। तो एक खड़ी हो तरह उसके साथ आओ, आओ तो सही ना, फोटो अच्छे लगेगा, पूरा आपका खिंचा नहीं है ना। क्यों, कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना आपके भी, तो करेक्टर नहीं होते। चलो तुम इसकी फ्रेंड हो, इंग्लिश कपड़े पहनी हुई हो, दोनों जाओ सामने खड़ी हो। इंग्लिश है वो, एक आ गई हो स्कूल से, आने स्कूल से आती है बिल्कुल वो हुई हुई चश्मे। क्या हुआ बेटा, पिटाई ज्यादा हुई स्कूल में, मैथ्स की टीचर ने पिटाई कर दी। जाओ आप भी खड़ी हो, अभी जाओ आप सामने, आपके भी कपड़े अच्छे लगे। चलो ना उधर खड़ी हो अलीजा, इधर देखो आप भी। वाह, सबके कपड़े माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अलीजा अनाया के साथ खड़ी हो, जाओ आप भी खड़ी हो सारे, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना ऊपर ले जाओ मासी, ये मासी ऊपर ले जाना। और ये जो है जारा के कपड़े भी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जारा खड़ी हो जाओ ना, मैं अच्छे लग रही हूँ, मैं फोटो खींचना चाह रही हूँ, आओ जल्दी आओ उधर। अच्छा उधर आओ, जारा और ये आ गई हैं। आज हम कोई करेक्टर वाला गेम खेलते हैं, मैं तो कहती हूँ। पीछे होके खड़ी हो जरा सी, पीछे हो, पीछे हो। हाँ प्रिंसेस की दोस्त है, ये मैं अमेरिका से आई हुई है, प्रिंसेस की दोस्त जो है ना अमेरिका से आई हुई है, ये भीख मंगड़ी बनेंगी। खड़े हो आप।